सुप्रभातम सभी को। आज संस्कृत क्लास में व्याकरण व्याकरण के प्रकरण में समास प्रकरण को लेते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा। समास की परिभाषा संस्कृत में दी है, द्वयो पदयो परस्पर यत मेलनम भवति समासः कथ्यते, अर्थात दो पद या शब्दों के परस्पर मेल होता है उसे हम समास कहते हैं। संस्कृत में समास के प्रकार निम्न प्रकार से बताए गए। पहला बताया गया है शब्दों की प्रधानता के अनुसार। शब्दों की प्रधानता के अनुसार प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास और तृतीय पद या अन्य पद प्रधान समास। चौथा है उभय माने दोनों, प्रथम पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं ऐसा समास। इनके नामकरण में प्रथम पद प्रधान अव्ययभाव समास होता है, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद और किए गए हैं। पहला है द्विगु समास, अर्थात जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा, उसे द्विगु समास कहते हैं। और एक है इसका कर्मधारय समास। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य भाव के उदाहरण आते हैं, जैसे नीलकमल, श्वेत पत्र ऐसे। तृतीय या अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास होता है। उभय अर्थात दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदों की प्रधानता के अनुसार समास चार प्रकार के होते हैं और एक तत्पुरुष के दो भेद और करने पर ये छह प्रकार माने गए हैं। धन्यवाद बच्चों।